विराट कोहली के बारे में डीन एल्गर ने कुछ ऐसी बातें कही हैं, यकीन करना उनके फैंस के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। YouTube पर बैठकर पॉडकास्ट में डीन एल्गर ने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने विराट कोहली से अपनी लड़ाई का जिक्र किया है। उन्होंने कहा, विराट कोहली से जो मेरी पहली मुलाकात थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। बात 2015 की है, जब साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ पर इंडिया में दौरा करने आई थी। टेस्ट मैच चल रहा था, वहाँ पर डीन एल्गर ने कहा कि विराट कोहली ने कुछ स्लेजिंग की कोशिश की थी। विराट कोहली ने मेरे ऊपर थूका था। साथ में उन्होंने रविंद्र जडेजा का भी नाम लिया है कि विराट कोहली और जडेजा ने मेरे ऊपर थूका था, तब मैंने बदले में कहा था कि मैं तुम्हें बल्ले से मारूंगा। ये डीन एल्गर ने कहा है। 2 साल के बाद विराट कोहली साउथ अफ्रीका दौरे पर गए। उन्होंने कहा कि विराट कोहली ने मुझसे माफी मांगी। साथ में उन्होंने फोन करके मुझसे कहा कि भाई, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, क्या हम साथ में ड्रिंक के लिए चल सकते हैं। अपनी बात को खत्म करते हुए डीन एल्गर ने कहा कि मैंने और विराट कोहली ने रात को 3 बजे तक बैठकर फिर ड्रिंक किया और विराट कोहली ने उस बार मुझसे माफी मांगी। उसके बाद हमारे संबंध काफी अच्छे हो गए।